योगी आदित्यनाथ के दर पर सीएम योगी, वाराणसी में काल भैरव के बाद बाबा विश्वनाथ के किए दर्शन, पूजा अर्चना कर रुद्राभिषेक किया। यूपी के अमरोहा में तनाव के बाद मुस्लिमों ने दी पलायन की धमकी, सकतपुर गांव में मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाने की घटना के बाद तैनात की गई पुलिस और पीएसी। हिंसा की आग में झुलस रहे यूपी के सहारनपुर का आज दौरा करेंगे राहुल। हालांकि यूपी सरकार ने अभी तक इजाजत नहीं दी है। 5 मई को मूर्ति विवाद से हिंसा शुरू हुई थी, बीजेपी ने राहुल को बताया ट्रेजेडी टूरिस्ट। ग्रेटर नोएडा के जेवर में हुए लूटपाट और कथित गैंगरेप केस में नया मोड़, पुलिस ने कहा शुरुआती जांच में रेप की पुष्टि नहीं, 20 दिन में मिलेगी पूरी रिपोर्ट। पुलिस ने 4 लोगों को लिया हिरासत में। यूपी के बाराबंकी में फिर गैंगरेप की वारदात, रामनगर थाना इलाके में गैंगरेप के बाद आरोपियों ने पीड़िता का वीडियो भी बनाया, 3 आरोपी गिरफ्तार, ग्राम प्रधान भी केस दर्ज। आज प्रधानमंत्री मोदी से मिल सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कल राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर विपक्ष की तरफ से बुलाई बैठक में शामिल नहीं हुए थे नीतीश। आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए राजधानी दिल्ली में हाई अलर्ट, दिल्ली पुलिस को खुफिया इनपुट मिला है कि लश्कर ए तैयबा के 21 आतंकी किसी बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में है। भारतीय सेना ने उरी में एलओसी पार कराए, पाकिस्तानी सेना की बैट टीम के 2 जवानों को मार गिराया, इस बैट टीम के जवानों ने पिछले दिनों कृष्णा घाटी में 2 जवानों की बर्बरता से हत्या कर दी थी। श्रीलंका में मानसून की बारिश में हुई तबाही में कम से कम 91 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग घायल, 8,000 के करीब लोग बेघर, प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख। चैंपियंस ट्रॉफी खेलने लंदन पहुंची टीम इंडिया ने लॉर्ड्स के मैदान पर बहाया पसीना, कोहली के सामने है खिताब को बचाए रखने की चुनौती, 4 जून को पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैच। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।